हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो क्या हाल चाल है आपके? तो अभी हम निकलने वाले हैं नेपाल के लिए, जो कि मैं, मेरी वाइफ और बेबी जा रही है। तो अभी हम निकलने वाले हैं, पैकिंग हमारी हो गई है। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 4 बजे और हम हैं निकलने वाले। अभी हम निकल गए देहरादून कैसे से और ये निकल रहे हैं हम अभी दूधली रोड से। अभी हम पहुंच गए मुरादाबाद से 5 किलोमीटर आगे। तो अभी हम यहाँ पे रुक के नाश्ता करेंगे। हमारा बेटा करेगा नाश्ता। नीति क्या खाएगा? पलाठा खाएगा। पलाठा ये क्या खाएगा? पराठा खाएगा। वो नहीं, हमारी गाड़ी। अभी आ गया हमारा पराठा और ये हमारी हुल्लड़ वाली चाय। तो अभी हम नाश्ता करने वाले हैं यहाँ पे। और ये नीति का भी नाश्ता हो रहा है यहाँ पे। देखो, नीति भी नाश्ता कर रहा है इधर। है ना, नाश्ता कर रहा है ना। हाईवे के बगल में पहुंचने वाले हैं बरेली और गाड़ी चलाते हुए आ रही है बहुत ज़्यादा नींद। ठीक है, तो नीति तो हमारी कर रही है रेस्ट, वो तो अपना सो रही है मस्त होके। मुझे आ रही है नींद और हम रुके हुए चाय पीने के लिए यहाँ पे। हम जब पहली बार आए थे तब भी यहीं पे हमने चाय पी थी और अभी भी हम यहीं पे चाय पियेंगे। भैया हमारी चाय लेके आ गए उधर से। अभी पीते हैं चाय और फिर करते हैं आप लोगों से बात। बारिश हो रही है अभी लखनऊ में। बारिश बरेली बरेली जा बरेली अभी हम पहुंचने वाले हैं। बरेली पहुंचने में अभी हमें 10 किलोमीटर और बाकी है। ये हमारा नीति हमें परेशान करने पे लगा हुआ है। ये बोल रहा है कि मुझे तो गाड़ी चला दी है ना। नीति चलाएगा गाड़ी। छाल हो रहा है नीति। ओ नीति बेटा, कहाँ जा रहा है बच्चा? नीति कहाँ जा रहा है? पापा पापा के साथ जा रहा है। नीति पापा के साथ जा रहा है। हाँ, पापा के साथ जा रहा है मेरा बच्चा। हाँ, पापा के साथ जा रहा है। नानी के घर जा रहा है पापा के साथ। अभी देखो बारिश हो गई। देखो यादव, पिछली बार यहाँ पर हुई है ना, बैंक्वेट वाला है ना ये सब। आगे यही था ना सीधा। हाँ, इसके बाद लखनऊ। लखनऊ 268 किलोमीटर है ना। 268 किलोमीटर और चलना है और अगर उसके बाद हिम्मत रही तो 200 किलोमीटर हम और चलेंगे। नहीं नहीं तो आज दूसरा दिन है और हम रुके हैं लखनऊ में एक होटल में। ये देखो, हम एक होटल में रुके हुए हैं क्योंकि नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो शाम को 8 बजे के बाद हम लखनऊ में एक होटल में रुक गए थे। तो अभी हम निकलने वाले हैं यहाँ से और टाइम वही जो कल हो रहा था, सुबह का 4 अभी बज रहे हैं। आज हम निकलेंगे और कल हमने किया था 650 किलोमीटर का सफ़र तय और आज करेंगे हम 550 किलोमीटर का सफ़र तय और आज हम पहुँच जाएंगे नेपाल। तो नीति ने कल बहुत परेशान कर दिया हमें। परेशान किया नहीं क्या नीति? देखो नीति की ना नींद अभी पूरी नहीं हुई है। नीति देखो, अभी नीति की नींद पूरी नहीं हुई है। अभी
चुके हैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के लिए, और ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकलेंगे कंटिन्यू आगे। तो ये हाईवे के बगल में हमें बहुत ही खूबसूरत एक रेस्टोरेंट मिला है कि जहाँ पे हम अभी अपना ब्रेकफास्ट करेंगे, और उसके बाद फिर यहाँ से हम कंटिन्यू 250 किलोमीटर और हमें आगे जाना है। तो ब्रेकफास्ट कंप्लीट होने के बाद तब हम आगे निकलेंगे। ये हमारी नीति परेशान हो गया बहुत ज़्यादा। कर दो ये। ये देखो, ये इनका प्यारा सा मेन्यू है जिसमें कि ब्रेकफास्ट है, लंच बेवरेज है, कॉन्टिनेंटल स्टार्टर, स्नैक्स, मॉकटेल। यहाँ पे छोटा सा प्यारा सा मेन्यू है जिसमें इंडियंस के काफ़ी आइटम्स इन्होंने रखे हुए हैं, वेज में, नॉन वेज में, और ये ब्राउनीज वगैरह। छोटा सा मेन्यू है लेकिन बहुत ही अच्छे से बनाया हुआ है। इसे हमारे नीति के लिए प्लेट आ गया है। अभी नीति खाने का वेट कर रही है। अरे थी, क्या आ रहा है आपके लिए? नहीं, तोड़ना नहीं उसे, तोड़ना नहीं। और ये आया पूरी भाजी। पूरी भाजी, पूरी भाजी और पराठा हो गया खत्म हमारा। काफ़ी अच्छा टेस्ट है यहाँ पे, और काफ़ी अच्छे हैं टेस्ट वगैरह भाई, अच्छे हैं। निकी भी खा रहे भैया। हम पी रहे कुल्हड़ की चाय, मौसम है ठंडा, चाय पी के बगल में पराठे और कुल्हड़ की चाय। अभी हम बिहार में आ गए हैं और वो चल रही है आगे से साजन चले ससुराल, इसलिए बारात जा रही है लग रहा है, उस पर लिखा हुआ साजन चले ससुराल। गूगल मैप ने पाओ में, लास्ट टाइम भी हम इसी गांव में आ गए थे और इस बार भी हम इसी गांव में आ गए। टिपिकल बिहार। आज हम सोच रहे थे हाईवे निकल के जाएंगे, आज भी पहुंच गए हम फिर इसी गांव में। वापस यहां से निकलने के लिए हमें 2 घंटे लगे हुए। ये देखो पुल, अबे बे 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 बे, ये तो पूरे गांव में पहुंच गए भैया। यार खेत देखो नीचे, यहाँ पे आगे उल्टे काम कर दे रहे हैं। बंजारे कहाँ से आ गया गांव में, लोग देख रहे हैं उनको कहाँ से आ रहे हैं। लास्ट टाइम में हम बेतिया ही पहुंच गए थे ना, बेतिया से फिर हम रक्सौल गए। मुझे लग रहा है वही मार्केट। मोतिहारी पहले, मोतिहारी से निकलेंगे माई पे ज्यादा सर, मोतिहारी जाने।
अभी नेपाल एंटर कर लिया है, तो बंसार में बहुत भीड़ थी तो इसलिए वहाँ पे वीडियो बना नहीं पाया। बड़ी मुश्किल से अभी हम पहुँच गए हैं हिटौड़ा में, ठीक है। बहुत बुरी हाल होगी, बहुत बुरी हालत है, लाइट अंधेरे में वो भी नहीं दिख रहा होगा, इतनी गंदी हालत होगी ना ड्राइविंग करते करते। ये हम पहुँच गए मतलब घर से यहाँ तक हमारे 1100 किलोमीटर हो गए। 1100 किलोमीटर करना मतलब ये हमने क्रॉस कर लिया। हेलो, वेलकम टू अनदर डे। तो आज है सफ़र का हमारा तीसरा दिन हो गया। कल रात को हम पहुंच गए थे, कल इतना टायर्ड हो गए थे कि होश नहीं रहा था, खाना वाना खा के मैं सो गया था, तो सोचा कि आज वीडियो बनाऊं। और आज आए हैं हम मार्केट में क्योंकि कल है शादी, तो वाइफ गई है शॉपिंग के लिए, जो कि थोड़ा बहुत उसे यहाँ से शॉपिंग करनी थी। और मैं और नीति हम गाड़ी में बैठे हुए हैं आराम से, नीति सो गई है, देखो ये गाड़ी में बैठती सो जाती है। और कल है शादी तो कल जाएंगे हम बारात में, तो वीडियो को हम कंटिन्यू रखेंगे, कल की वीडियो हम कल से स्टार्ट करेंगे। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ हिटौड़ा मार्केट, जो कि बहुत ही प्यारा मार्केट है। हिटौड़ा शहर जो है वो सेम जैसे अपना देहरादून है वैसा ही है। हिटौड़ा भी चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है, छोटी पहाड़ियाँ बड़ी पहाड़ियाँ यहाँ चारों तरफ हैं, बट शहर जैसा अपना देहरादून है सेम हिटौड़ा वैसे ही है। मार्केट भी ज़्यादा बड़ी नहीं है, बट जितनी है उसमें आपको सब कुछ मिल सकता है यहाँ पे। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको हिटौड़ा मार्केट पर, मैं अभी गाड़ी के अंदर बैठा हूँ तो मैं आपको अभी मार्केट दिखा देता हूँ यहाँ से। ये है हिटौड़ा मार्केट, जो कि हम मार्केट के एक तरफ खड़े हैं खाली अभी, ठीक है। ये आप यहाँ से आगे जाके एक चौक है, चौक से पली तरफ भी मार्केट है, तो हम अभी एक तरफ खड़े हैं मार्केट के, और आधी मार्केट अभी बंद है। बाकी नेपाल हम आपको कल दिखाएंगे, तब तक के लिए बाय। और हाँ, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टू बी कंटिन्यू।